नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। अमेरिकन कंपनी यूपी में करेंगी निवेश। जीआईएस 2023 में सैन फ्रांसिस्को, टार्जको और न्यूयॉर्क की बड़ी कंपनियों यहाँ बिजनेस करना चाहती हैं। 10वीं पास के लिए HCL में नौकरी। इंडियन नेवी में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को AWAI में क्लर्क बनने का मौका। कोहली के पोस्ट से घबराए फैंस। पाक के खिलाफ वर्ल्ड कप पारी को याद किया। लोगों ने पीछा, रिटायर तो नहीं हो रहे। रामदेव के विवादित बयान। कहा, महिलाएं साड़ी या सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, मेरी तरह कोई न पहने तो अच्छी लगती है। बीकानेर मिष्ठान भंडार में लगी आग। प्रयागराज में झूसी में स्थित है ये दुकान। मिठाई समेत पूरा सामान जलकर राख। MNIT में बनी देश की पहली ड्राइवरलेस कार। फर्स्ट फेज पर ट्रायल सफल। सड़क पर हिसाब से खुद बनाएगी रास्ता। सदन की बैठक 2 दिसंबर को। कार्यकारिणी समिति की बैठक 28 नवंबर को। पुनरीक्षित बजट को लेकर होगी चर्चा। साकेत महाविद्यालय में 29-30 नवंबर को टैबलेट का वितरण। 1015 छात्रों को मिलेगा टैबलेट। महाविद्यालय में नोटिफिकेशन जारी किया गया। भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से विश्वधाम वरिष्ठ मंदिर प्रांगण में होगा कार्यक्रम। कई देश के प्रदेश से महाधिकारी पहुंचेंगे। संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। अयोध्या में कांग्रेसियों ने संविधान की रक्षा की लिया संकल्प। अयोध्या के स्टेशन राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बनेंगे। जिले के 14 स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए 360 करोड़ रुपये की होगी खर्च। अमेठी में 180 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। एक ही पंडाल में के नीचे मंत्र और कबूल है की आवाज़ गूंजी। 46 लाख रुपये हुए खर्च। बलिया में मनाया गया संविधान दिवस। जनपद न्यायाधीश के न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता को लगाई शपथ। कहा, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। बढ़ती महंगाई पर बसपा प्रमुख मायावती का सवाल। अब आटा का दाम भी काफ़ी महंगा हो गया, त्रस्त लोग कोसते हैं, लेकिन उपाय के बजाय खामोश है सरकार। दुनिया की सबसे महंगी हनुमान चालीसा लखनऊ में। 1 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी है, हाथ में लिखी चालीसा। कीमत है 1 लाख रुपए। टिकट का मायावती प्रेम। लखनऊ में किसानों का हल्ला बोल में कहा, बसपा सरकार ने किसानों के लिए सबसे अच्छा काम किया है। लखनऊ में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए सिया धर्मगुरु। कहा, आतंकवाद को जड़ खत्म करने का मकसद सरकार मदरसों को न करे कार्रवाई। लखीमपुर खीरी की पीड़िता का चेक बाउंस का मामला। पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि FIR को राजनीतिक दबाव किया गया, अमानवीय कृत। दो पक्षों में मारपीट के इंटर के छात्र की मौत। लखनऊ में माउंट रॉयल स्कूल के बाहरी कहा सुनी हो गई थी, दूसरे गुट के हमले में गई जान। करंट स्टेशन पर चालकों के लिए लगा हेल्थ चेकअप कैंप। SP ट्रैफिक बोले, आप शहर के राजदूत हैं, पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करें। ताजमहल पर अर्थव्यवस्थाओं ने किया परेशान। 500 रुपये के VIP एंट्री का ठेका। जमा जाम से कराते रहे लोग। गैंगस्टर की जगह अब जेल में। तेल माफिया की कुर्की के बाद बड़ी कार्रवाई। थाना लोहा मंडी पुलिस ने 7 गैंगस्टर भेजे जेल। काशी तमिल संगम की 7वीं संस्कृति SAMBHU में तमिल डांडिया पर झूमे लोग। थथावुर के कलाकारों डफली नृत्य से बांधा समा। वाराणसी में भाजपा नेता से बदसलूकी पर थानेदार सस्पेंड। कार्यकर्ता के थाने का घेराव किया और हंगामा। डिप्टी CM के कार्यक्रम जाते समय रोकी थी गाड़ी। भाजपा नेता के यहाँ हर्ष फायरिंग में बाउंसर की मौत। शादी के 6 रशियन डांसर नाच रही थी, लोग नशे में गोली चला रहे थे, नेता अरेस्ट हुआ। गाजियाबाद में मेटल फैक्ट्री की डकैती में 5 गिरफ्तार। वेल्डिंग मजदूरों ने किया था प्लानिंग। गार्ड को बंधक बनाकर लूटा था 42 लाख रुपए का माल। कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियाँ और 50 से ज़्यादा जवान आग बुझाने में लगे। एक होकर लड़े या अलग अलग खिलेगा कमल। काशी में DC के सब बोले, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव में BJP ही जीतेगी। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, 15 गिरफ्तार। विदेशी लोगों के कंप्यूटर में वायरस भेजकर मदद के नाम पर उड़ाते थे रकम। जयंत चौधरी बोले, UP में उपचुनाव में जीते
का गठबंधन मेरठ में कहा खतौली जाकर खुद बांटेंगे वोट के पर्चे। मेरठ की शुगर मिल में लगी भीषण आग, टरबाइन फटने से चीफ इंजीनियर की मौत, 6 कर्मचारी झुलसे, सीएम ने दिए जांच के आदेश। संविधान दिवस, मथुरा कोर्ट में हुआ संविधान दिवस का आयोजन, जिला जज की अध्यक्षता में आयोजित हुई संगोष्ठी। वृंदावन में भक्ति वेदांत मंदिर में पाटोत्सव कार्यक्रम, वेदांती महाराज बोले सही रास्ते पर चलना सिखाती है श्रीराम कथा। इसी के साथ धन्यवाद और